बालों का झड़ना तुरंत रोकने के लिए, हमेशा के लिए रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज है करी लीव्स, मीठी नीम जिसको हम बोलते हैं। बालों की ग्रोथ के लिए बहुत आसानी से मिलने वाली और सबसे अच्छी चीज है जिंजर। सोचो इन दोनों को मिला के अगर आप अपनी जड़ों में अप्लाई कर लोगे तो क्या होगा। आपका जो हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ब्रेकेज हो रहा है, हेयर शेडिंग हो रही है, हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, सब रुक जाएगा बिकॉज ऑफ करी लीव्स। और जिंजर को जब आप कंबाइन करोगे एलोवेरा और कोकोनट ऑयल के साथ में, तो ये आपके डेड फॉलिकल्स को, आपकी जड़ों को रिवाइव करेगा, न्यू फॉलिकल्स जनरेट करेगा और न्यू हेयर ग्रोथ पैदा करेगा। बालों को ये लंबा, घना, मोटा भी करेगा। वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ राबिया। अगर आप हेयर लॉस, हेयर थिनिंग यानी कि गंजेपन को भी दूर करके ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने कभी बालों की ग्रोथ नहीं भी देखी है, ऐसी जगह पे भी आप अपनी बालों की ग्रोथ चाहते हो, तो आज जो मैं सिरम आपके साथ में शेयर कर रही हूँ उसको बस अपनी जड़ों में अच्छी तरीके से अप्लाई कर लो नहाने से आधा या एक घंटा पहले और वॉश करो, देखोगे आप तुरंत आपका हेयर फॉल रुक गया है, स्टॉप, इमीडिएटली आपका जो हेयर फॉल है वो स्टॉप हो गया है। और हेयर थिनिंग की अगर मैं बात करूँ, ये धीरे धीरे आपको न्यू हेयर ग्रोथ देने लगता है। जहाँ पे आपके बाल नहीं थे वहाँ पे आपको न्यू हेयर ग्रोथ दिखाई देती है। आप देखोगे कि आपकी बालों की लेंथ भी बढ़ रही है। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी उन फीमेल्स और मेल्स को जिनको बॉल्डनेस, जो मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो जाते हैं, गंजापन हो जाता है, स्कार्फ दिखाई देने लगता है, वहाँ पे डर्मा रोलिंग करो, ये सीरम अप्लाई कर दो, आपको न्यू हेयर ग्रोथ मिल जाएगी गाइज। वहाँ पे ये चैलेंज के साथ मैं बोल रही हूँ, आपको कोई मिनोक्सिडिल या ऐसे कोई भी पीआरपी ट्रीटमेंट्स या ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट्स पे आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं, जिसके रिजल्ट्स मिलते नहीं है, और अगर मिल जाते हैं तो बाद में और ज्यादा साइड इफेक्ट्स देते हैं। वो सब को छोड़ के अगर आप डर्मा रोलिंग करके नेचुरल ट्रीटमेंट करोगे तो जो रिजल्ट्स आप चाहते हो वो आपको बिना पैसे खर्चा किए घर में ही मिल जाएंगे। लेकिन आपको बस इसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, विद इन वन वीक आपको रिजल्ट दिख जाएगा, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। तो ये सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है करी लीव्स, ठीक है, दो मुट्ठी भर के आपको अच्छी से करी लीव्स लेनी है, और आपको 1 से 2 इंच जितना अदरक का लेना है। इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। करी लीव्स और अदरक को इस तरीके से कट करके एक पैन में डालना है, और इसमें आपको डालना है पानी, तकरीबन 1 ग्लास जितना आप इसमें पानी डालेंगे, और इसको गैस पे आप रखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से गर्म करेंगे और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करना है आपको ताकि जो लीव्स है और जिंजर है इसमें थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। एक बार जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको आपको गैस से निकालना है। गैस से निकालने के बाद इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है, मिक्सर जार में इसको डालें और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करें, ग्राइंड करें, जो भी करना है करें, इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इसको अप्लाई करने में आसानी हो, स्मूथनेस इसकी ज़्यादा हो, इसलिए आप चाहो तो इसको छान भी सकते हो, ताकि अगर आपने ग्राइंड अच्छे से नहीं किया तो जो भी मोटे मोटे कण है इसके वो निकल जाए, ठीक है। छानने के बाद ये जो एक्सट्रैक्ट मिला है ना, इसमें करी लीव्स जिंजर का जो कमाल का कॉम्बिनेशन है और कमाल का जो असर है वो आपकी जड़ों की रिक्वायरमेंट है। इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 खास चीज़ें जो हेयर ग्रोथ में आपकी बूस्ट करेगी, वो है 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। बस इतना ही चीज चाहिए, सारी चीजें आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें, इसको एक सीरम के फॉर्म में अपने स्कार्प में, अपनी जड़ों में अप्लाई करें। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि डर्मा रोलिंग पहले करें। इसके भी पहले अगर आप डर्मा रोलिंग करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात इसकी है कि मैं इसको कैसे यूज़ करना पसंद करती हूँ, मैंने एक रात पहले डर्मा रोलिंग किया, ऑयल अप्लाई किया, नेक्स्ट डे नहाने से पहले 1 घंटा पहले इस सीरम को अप्लाई करें। ओह माय गॉड, जो रिजल्ट आपको आपकी बालों की ग्रोथ में तेजी में मिलेगा ना, वो कोई चीज़ नहीं देगी। तो आप भी ऐसा करें, 1 रात पहले डर्मा रोलिंग करें, और जो भी ऑयल इफेक्टिव आपको लगता है आपकी बालों के लिए, चाहे करी लीव्स का हो, रोजमेरी को, बहुत सारे ऑयल्स मैंने आपके साथ में शेयर किया है, वो ऑयल अप्लाई करें नेक्स्ट डे नहाने से 1 घंटा पहले, ठीक है। ऑयल लगे हुए बाल में ही ये सीरम को लेके अपनी जड़ों में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर नहाने से तुरंत 1 घंटा पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। लेकिन पहले वाले चीज से करोगे तो आपको दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, इनफैक्ट तीनों के, डर्मा रोलिंग के भी, डर्मा रोलिंग ऑयल और ये सीरम। कैसे आपके बाल नहीं बढ़ेंगे बताओ, गंजे सर पे भी ये ग्रोथ देगा, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। तो प्लीज इसको अप्लाई करें अपने जड़ों पे, आपको अच्छे से अप्लाई करना है। करी लीव्स में वो ताकत है गाइस जो आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली रोक देता है, हेयर लॉस को ये रिवर्स कर देता है, आपके बालों की ग्रोथ को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आपके बालों को ये सॉफ्ट और शाइनी बनाता है, आपके बालों को स्मूथ करता है।
प्लस जो जिंजर एलोवेरा कोकोनट ऑयल जब आप मिला के करी लीव्स के साथ में आप अपने जड़ों में अप्लाई करते हो तो आपके बाल लंबे होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, न्यू हेयर ग्रोथ दिखने लगती है, आपकी जड़ों को वो पोषण मिल जाता है क्योंकि जिंजर में मेथी जैसे गुण होते हैं गाइस, और उससे भी ज़्यादा पावरफुल ब्लड सर्कुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो मेथी में भी नहीं होती है। तो इसीलिए हम जिंजर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ताकि आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा बूस्ट हो, दुगनी हो, तिगुनी हो। उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसमें यहाँ पे एलोवेरा और कोकोनट ऑयल डाला है जो आपके बालों को, आपके एक एक रूट को वो पोषण देते हैं, वो फैटी एसिड्स जो है वो आपके जड़ों से लेके आपके शाफ्ट तक का आपको पोषण देते हैं, वो न्यूट्रिशन देते हैं, वो नरिशमेंट देते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं आपके फॉलिकल्स को, मजबूती देते हैं आपके जड़ों को, जिससे आपके बालों का झड़ना ये रोक देते हैं। हेयर लॉस किसी भी तरीके से हो, नेचुरल चीज़ों पर भरोसा करो, बस उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और आज की तारीख में आपको टाइम भी इतना बोल रही हूँ कि एक हफ्ता डर्मा रोलिंग करोगे तो एक हफ्ता डर्मा रोलिंग करो, ये अप्लाई करो, एक हफ्ते में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, न्यू हेयर ग्रोथ आपकी दिख जाएगी। इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या बोल सकती हूँ। स्पेशली मैं उन लोगों को तो हाईली रिकमेंड करूँगी जिनकी कोई जगह पे बाल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप वो जगह पे अप्लाई करोगे, डर्मा रोलिंग करोगे, ये अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट तुरंत दिखने लग जाएगा, आपको साफ दिखेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे लोगों को तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। और जिनकी डेंसिटी कम हो गई है, जिनके जो चोटी है वो बहुत पतली होती है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, उनके लिए भी बहुत कमाल का रिजल्ट है। न्यू हेयर ग्रोथ अगर ये दे सकता है गंजे सर पे, जहाँ पे कभी बालों की ग्रोथ ही नहीं थी, वहाँ पे भी अगर ये दे सकता है तो ऑलरेडी आपके बालों की ग्रोथ है। तो ये आपके बालों को लंबा, मोटा, घना करने के लिए बहुत 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 कारगर है। इसको अप्लाई करें, एक घंटे के लिए वेट करें और फिर उसके बाद में अपने बालों को वॉश करें। अच्छा शैम्पू यूज़ करें, केमिकल्स भरे शैम्पू यूज़ ना करें ताकि आपके जो हेयर फॉल है वो बढ़े नहीं, ठीक है। और उसके बाद में वॉश करें और इसको लगातार हर 2 से 3 दिन में एक बार अप्लाई करते रहे, एक हफ्ते बाद इसका रिजल्ट देखें। नहीं आपको न्यू हेयर ग्रोथ दिखी तो मुझे बताना। और रात में डर्मा रोलिंग करके, ऑयल करके ये सीरम अप्लाई करें। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार डर्मा रोलिंग करनी है, बाकी टाइम सिर्फ आपको ऑयल और ये सीरम अप्लाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। एक हफ्ते में आप अपने बालों में डिफरेंस देखोगे, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपनी लाइक लिस्ट में रखें ताकि आपको पता रहे कि ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में इसी तरह से अमेजिंग धमाकेदार रेमेडीज के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।